सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल RGS व्लॉग्स। तो आज हम लोग मेरे दोस्त के इंटॉक में एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक काम करने वाले हैं, जिससे कि उसका लुक्स बहुत ही ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा और एक बहुत ही प्यारा लुक आएगा। तो वो है DRL का काम। तो हम लोगों ने एक प्लान सोच के रखा है और जो इंटॉक का हेडलाइट है उसमें जो DRL का काम है बहुत ही अच्छे से जचता है। और आप लोग चाहो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूनिक डिज़ाइंस भी बना सकते हो इंटॉक के हेडलाइट में। सो चलिए, हम लोगों ने एक डिज़ाइन सोच के रखा है, सो वो देखते उसका आउटपुट कैसा रहता है। और आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए अच्छे से, जानने के लिए कि कैसे क्या DRL का काम होता है और जो फाइनल आउटपुट है वो कैसा आ रहा है। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा जो अपडेट्स है वो सबसे पहले पाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर YouTube से बहुत ज़्यादा पहले मैं अपडेट कर देता हूँ कि क्या क्या काम होने वाला है। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इंटॉक खुलना चालू हो चुका है। इंटॉक का हेडलाइट खोलने के लिए सिर्फ आपको उसका नोज़ खोलना पड़ता है और वो बहुत ही ईजी है, सीरियसली बहुत ही ईजी है, एक 5 साल का बच्चा भी खोल सकता है, इतना ईजी है। और बाकी आप लोग वीडियो देखते रहो, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम स्कूटर को खोल रहे हो अपने, तो आप लोगों के इंस्ट्रक्शन हेल्प करेगा। और यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना ज़रूरी है कि यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो हेडलाइट में 3 क्लिप्स लगे रहते हैं, इसको आप लोगों को सेफली उतारना पड़ेगा एक स्क्रू ड्राइवर, फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर के हेल्प से, वरना हेडलाइट नहीं खुलेगा और वो क्लिप टूट जाएंगे। यहाँ हम लोगों ने हेडलाइट यूनिट को पूरा उतार लिया है, अब इसमें हीट गन से पूरा हीट करना पड़ेगा ग्लू को। ग्लास के बीच में ग्लू रहता है सील करने के लिए, उस ग्लू को हीट गन से प्रॉपरली हीट करना पड़ेगा और वो ग्लू मेल्ट होने के बाद उसको स्क्रू ड्राइवर से अच्छे से निकालना पड़ेगा। हेडलाइट का ग्लास उतर चुका है। जो इंटॉक का हेडलाइट है वो 3-पीस यूनिट में रहता है, पहले ग्लास रहता है, उसके बाद एक प्लास्टिक के यूनिट रहता है, उसके बाद रिफ्लेक्टर्स रहता है। सो उसको देख के संभाल के उतरना पड़ता है, वरना जो फाइबर है वो ब्रेक होने का चांस रहता है। सो अभी हम लोग DRL का काम शुरू करने वाले हैं, सो आप लोग देखते रहिए और मज़ा लेते रहिए। काम फाइनली शुरू हो चुका है और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जो प्लास्टिक का यूनिट रहता है जो मेन शेप देता है हेडलाइट को, उसके ऊपर हम लोग DRL करेंगे। पीछे रिफ्लेक्टर्स में भी लगा सकते हैं, पर रिफ्लेक्टर्स में लगाएंगे तो लाइट का उतना पावर नहीं आएगा बाहर, वो ब्लॉक हो जाएगा, और रिफ्लेक्टर्स में लगाना थोड़ा मुश्किल भी है। सो हम लोग फाइनली ये ब्लैक पार्ट में ही लगा रहे हैं। और हम लोग DRL का जो डिज़ाइन है वो एक साइड रेड रखने वाले हैं और एक साइड ब्लू रखने वाले हैं, इससे एक बहुत ही अच्छा लुक आएगा, एक साइड ईविल वाला लुक आएगा और दूसरे साइड एक एंजल वाला लुक आएगा, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा।
और आप लोगों के यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना था, वो ये है कि जो स्कूटर्स रहते हैं उनमें कुछ कुछ स्कूटर्स में जो हेडलाइट यूनिट के अंदर का पार्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्लीपरी होता है, लाइक बहुत ही एक्सेस पॉलिश किया हुआ रहता है। सो उसके वजह से क्या होता है कि जो हम लोग ग्लू से उसको डीआईएल को का स्ट्रिप को चिपकाते हैं वो ठीक से बैठता नहीं है। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, तो सैंड पेपर होता है उससे हल्के से रब करके वो सरफेस को थोड़ा सा रफ बना के डीआरएल ग्लू से चिपका के उसके ऊपर एक क्लिप लगा सकते हैं। उसके हेल्प से जो डीआरएल का स्ट्रिप है वो प्रॉपरली चिपक जाएगा। फिलहाल सारे जो स्ट्रिप्स थे सब चारों स्ट्रिप्स को हम लोगों ने प्रॉपरली चिपका दिया है और उसके ऊपर हम लोगों ने क्लिप भी लगा दिया है जिससे कि वो प्रॉपरली बैठ सके। और उसके बाद चलिए देखते हैं जो फाइनल लुक आता है सूखने के बाद वो कैसा आता है। सो गाइस डीआरएल चिपकाने का जो काम है वो फाइनली पूरा कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग जो ग्लास है और जो अंदर का पार्ट है वो प्रॉपरली अलाइनमेंट करके जो साइड में क्लिप्स रहते हैं उसको भी हीट गन से प्रॉपरली चिपका रहे हैं ताकि अंदर डस्ट वगैरह या मॉइस्चर ना आ सके। सो हम लोगों ने फाइनली चिपका दिया है, लाइक आजू बाजू जो भी था सब चिपका दिया है और फाइनल लुक कुछ ऐसा आ रहा है। अब चलिए डायरेक्ट स्कूटर में इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वहाँ पर कैसा लुक आ रहा है। यहाँ पर तो कलर वगैरह पूरा प्रोमिनेंट अच्छे से आ रहा है, यहाँ पर बहुत ही प्यारी लग रही है हमारी टोक्यो। बाय द वे स्कूटर का नाम टोक्यो है। एक साइड से पूरा डेविल लुक आ रहा है और दूसरे साइड से पूरा एक एंजल का लुक आ रहा है। काम तो यहाँ बहुत ही अच्छा हुआ है। बाकी आप लोगों का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप लोगों के इंटॉक वाले जो फ्रेंड्स हैं उसको भी ज़रूर शेयर कीजिएगा जिससे कि उनको ये डीआरएल का आइडिया मिल सके।